आज हम खाने में दे रहे हैं चावल प्लस ग्रेवी जो कि डूल्स की है। अभी भी जो न्यू आई है मिसी, वो अभी घुल मिली नहीं है अभी तक पूरी तरह से, लेकिन आज से लगता तो है कि धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा उसका। लचोट भाई हनी चलो ऊपर चलो, बोलो भैया चलो नीचे, चलो नीचे, चलो नीचे, चलो नीचे, चलो। ये आई मिसी, सीधी बालकनी में जाएगी, देखना यहाँ से निकली और सीधा ये आ गई अपनी जगह पर। दो तीन दिन तक ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि न्यू डॉग्स है तो ये नॉर्मल बात है ऐसा रहे। स्वीटी को हमने नीचे ही रखा है इसीलिए ये सब डॉग खाना खा रहे हैं, नहीं तो अभी खाते भी नहीं। एक उसको अलग डाल देना वाल के। नो मैगी इधर कहाँ रखा, इधर रख, इधर। गेद मिशी, मिशी बाबू ले खा, बाबू मिशी खा ले, बाबू ले ले, बाबू ले, इसके यहाँ रख देते हैं, क्या पता ये बाद में खा ले। हाँ बाबू, हाँ बश बश बाबू, हाँ बाबू बश खा ले, ले बाबू खा ले, ले बाबू। चलो बाकी सब चलो दूसरी जगह से खाओ, तू इधर आ, तू इधर आ, ये देख, ये ले खा, खा ले जुजुड़ा, जुजुड़ा खा ले। ये कौन खाएगा, जुजु खाएगा, जुजु जो जो खाएगा, जो जो भी नहीं खा रहा। बहुत से डॉग तो फीमेल के चक्कर में नहीं खा रहे, पर क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, वो तो खा लेगी, ये ही नहीं खा रहे मेल। सब मेल उसी को ढूंढ रहे हैं। फिर भी आज थोड़ा बहुत तो खाया रे, पहले पहले तो किसी ने भी नहीं खाया था। ये देखो ये इसे मनाने में लगा है। खा लिया खाना तूने, गुड। ये सब मेल इसे इसलिए सूंघ रहे हैं क्योंकि वो नीचे उसकी स्मेल आ रही है पूरी जगह, ज़्यादातर मेल ही नहीं खा रहे हैं। इसे भी सेटल होने में एक दो दिन और लगेगा भैया, क्योंकि इसके लिए तो दुनिया उलट पुलट हो गई ना, इसने कभी डॉग से मिली नहीं, दूसरा घर वाले भी नहीं, सब इसलिए ऐसा हो रहा है। गेद पो भाई, रॉकी 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 खाना खा ले जाओ, सब इधर उधर घूम रहे, ऐसा नहीं खाना खा लें, बस आज आज और कल तो स्वीटी को हम छोड़ के आ जाएंगे। पिको ये पिको पिको पिको, ये भी उसी फीमेल के चक्कर में ही ढूंढ रहा है, स्मेल ले रहे हैं सब के सब डॉग। तू खाना क्यों नहीं खाला, खाना खाला 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 खाला। रॉक सॉरी टाइसन, टाइसन वो था जो फूड छोड़ता ही नहीं था और अब इसको इतना उन चीज़ों का वैसा नहीं रह गया, अब ये ऊपर जाके सुसु करके आएगा क्योंकि ये हर बार नीचे सुसु करता था, आपको पता हो तो। ये देखो सुसु किया और अंदर चला गया, पहले ये यहीं पर सुसु करता था, इसको ये चीज़ का नॉलेज तो आ गया। खल बाबू, घर वाला टेंशन ले रहे तेरे, खा ले इसे, हम इसके हाल पर छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और एक दो दिन तो लगेंगे इसको सेटल होने में, मैं कितना भी चाहूं तो भी पहले सेटल मैं नहीं कर सकता। नो क्या कर रही है तू, वो ऊपर रख वापस, खाना तो खाने दे नहीं, ये ट्रे खा दिया तू, हाँ।
बेलू ऐसे ही चीज़ों को लेके पीछे पड़ जाती है, फिर खाती रहती है, फाड़ती रहती है। जैसे ही नो बोला तो उसने छोड़ दिया। हमें डॉग्स को नो करके ही रिएक्ट करना है, नो बोलते ही वो चीज़ को छोड़ देना चाहिए। हमें अपने हाथों से नहीं निकालना पड़े या छीनना पड़े उनसे। गिरावा कर रहा है, थोड़ा सा छाक रहा है। चलो फाइनली पीपू तो खा रहा है। एक और रीजन दिखाऊं, ये देखो इसकी स्मेल भी इधर उधर घूमती रहती है। ये मैट किए हुए हैं, जब टाइम पीरियड पर डॉग चलता है तब ऐसा होता है। मेल डॉग्स खाना खाना छोड़ देते हैं और जिन्होंने मेटिंग नहीं की है वो सिर्फ फीमेल्स को ढूंढते रहते हैं मेट के लिए। स्मेल तो पूरे एरिया में घूमती है। धीरे धीरे घूम घूम के खाएंगे, धीरे धीरे प्याले पड़े रहेंगे, कोई ना कोई पीछे घूम घूम के खाते रहेंगे। ये तो फूड छोड़ता ही नहीं था और इसने भी देखो खाना छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ से आके खा रहा है। सब डॉग को ऊपर भेज दिया गया है फ्रेश होने के लिए खाना खाने के बाद। तो ये बाहर निकली और ढूंढ सबको स्मेल ले रही है पूरी जगह को, फिर डर के फिर वापस वहीं चली जाती है, जबकि एक सिंगल डॉग ही है अब नीचे। धीरे धीरे ये भी घुल रही है। खुशी ना, खुशी, अभी खुशी इसको डांट देती है, अगर डांट देती है फिर से डर जाती। बड़ी मुश्किल से तो बालकनी से निकल रही है। अभी हमने बोन फेंकी है, सब बोन्स भी खा रहे हैं बैठे बैठे। ये देखो बेलू अपने बोन खाने में लगी हुई है। मैगी भी बोन खाने में लगी है। पिक को भी बोन चूज कर रहा है, खाऊं कौन सी, ये वाली दो तीन पड़ी है इसके पास, इसलिए